प्रेगनेंसी का पहला महीना, वन मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, यह आपके गर्भावस्था का 1 से 4 हफ्तों तक का होता है और यह आपके प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्रेमेस्टर होता है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में महिलाओं को पता भी नहीं होता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेगनेंसी के पहले महीने में भ्रूण का विकास कैसे होता है, पहले महीने में गर्भवती महिला के शरीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं और फर्स्ट मंथ प्रेगनेंसी डाइट कैसा होना चाहिए। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं वन मंथ प्रेगनेंसी बेबी डेवलपमेंट के बारे में। जब किसी महिला का अंडाणु पुरुष के शुक्राणुओं से मिलता है तब निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन की प्रक्रिया संभोग के 2 से 3 दिनों के बाद शुरू हो सकती है। महिला का एग और पुरुष का स्पर्म मिलन होने से एक युग्म बनता है जिसे जायगोट बोला जाता है। जायगोट फेलोपियन ट्यूब से होकर गर्भाशय में पहुंचता है। 4थे से 6थे दिन के बीच यह जायगोट कई कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। इसके बाद यह कोशिकाएं इकट्ठा होकर एक गेंद जैसा आकार ले लेती है जिसे कि ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है। अगर यह ब्लास्टोसिस्ट 2 से 3 दिन के अंदर गर्भाशय की दीवार से चिपक जाए तो प्रत्यारोपण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है और अब यह एक भ्रूण का आकार ले लेता है। साथ ही प्लेसेंटा का भी निर्माण होने लगता है। भ्रूण का विकास तेजी से होना स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट मंथ में शिशु का चेहरा बनना शुरू हो जाता है। आँखों की जगह काले रंग के गोल घेरे बनने लगते हैं। मुंह के अंदर निचला जबड़ा और गला बनना शुरू हो जाता है। रक्त कोशिकाएं बन जाती है और उसमें रक्त संचार भी होने लगते हैं। 4थे सप्ताह के अंत तक शिशु का दिल 1 मिनट में करीब 65 बार धड़कने लगता है। पहले महीने के अंत तक शिशु का 1 इंच का 1/4 यानी कि 1/4 इंच का लंबा हो जाता है जो कि एक चावल के दाने से भी छोटा होता है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी के पहले महीने में गर्भवती महिला के शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं। प्रेगनेंसी के पहले महीने में प्रेग्नेंट महिला के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ने के कारण कई तरह के शारीरिक बदलाव होते हैं। किसी भी महिला का पीरियड अपने नियमित समय पर ना आए, पीरियड रुक जाए तो यह प्रेगनेंसी का लक्षण माना जाता है। दरअसल किसी भी महिला को प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद उसके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बनना शुरू हो जाता है और इसी हार्मोन की वजह से मासिक धर्म बंद हो जाता है। गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में मॉर्निंग सिकनेस यानी कि जी मिचलाना, उल्टी, चक्कर आने की समस्या हो सकती है। प्रेगनेंसी के पहले महीने में बिना कुछ किए ही आपको थकान की समस्या हो सकती है। प्रेगनेंसी के पहले महीने में बदलते हुए हार्मोन्स के वजह से गर्भवती महिला के स्तन कड़े हो जाते हैं और स्तनों में हल्का दर्द भी हो सकता है या स्तनों में सूजन भी हो सकती है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में प्रेग्नेंट लेडी के व्यवहार में भी काफ़ी बदलाव आने लगते हैं जिसे कि मूड स्विंग बोला जाता है। हार्मोन्स चेंजिंग के कारण गर्भवती महिला के मूड में बदलाव हो सकता है, जैसे कि उसे किसी भी बात को लेकर चिड़चिड़ापन या बेवजह रोना आ सकता है। प्रेगनेंसी के पहले महीने में प्रेग्नेंट महिला को मॉर्निंग सिकनेस के साथ साथ सिर में दर्द की समस्या भी हो सकती है और सिर में दर्द की समस्या 3 महीने तक होती है और 4थे महीने के बाद नहीं होती है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में किस तरह के प्रेगनेंसी डाइट लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी के पहले महीने में आपके शरीर को ज़्यादा पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। फर्स्ट मंथ में आपको विटामिन B6 से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे कि केला, साबुत अनाज, सूखे मेवे खाना चाहिए। फर्स्ट मंथ प्रेगनेंसी में आपको दूध का भरपूर सेवन करना है, साथ ही दूध से बने हुए चीज़ों को भी खाना चाहिए। फर्स्ट मंथ में मॉर्निंग सिकनेस की समस्या रहती है, इसलिए आपको संतरे का सेवन जरूर करना चाहिए, साथ ही अन्य ताजे फलों का भी सेवन कर सकती हैं। ध्यान रखें कि फर्स्ट मंथ में आपको कच्चा पपीता, अनानास या अधपके अंडे का सेवन नहीं करना है।
तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ के बारे में। दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और पिंक ग्लो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो फिर मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।